प्रत्याशियों को लेकर सामाजिक नाराजगी सामने आने लगी। गरियाबंद के राजिम पहुंचे साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष के खुलासे से भाजपा को झटका लगा है। महासमुंद से भाजपा में साहू समाज के दावेदारों के टिकट कटने के बाद समाज में फैला रोष बढ़ने लगा। भाजपा इसे शांत कराने के बदले इसके विरोध पर उतर आई है। राजिम के विधायक रोहित साहू का कहना है, उनका बातों से मैं सहमत हूँ और ना ही उनकी बात मानने की कोई बंधन है। समाज के लिए। इसी बीच समाज के प्रदेश अध्यक्ष टहलराम साहू ने मीडिया से हुई बातचीत में चौंकाने वाला खुलासा कर भाजपा के महासमुंद सीट जीतने की राह में रोड़ा अटका दिया है। अध्यक्ष ने दो टूक में कह दिया कि भाजपा संगठन से किए गए आग्रह के बावजूद साहू समाज के दावेदारों के टिकट काटे गए, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। सामाजिक लोगों से भी समाज से जुड़े प्रत्याशी को उतारने की अपील कर डाली। टहलराम यही नहीं रुके, वे सामाजिक गाइडलाइन से हटकर काम कर रहे भाजपा के अपने सामाजिक नेताओं को भी चेतावनी दे डाली। बोले कि अपने काम के समय में सामाजिक बनने वाले कुछ नेता अभी समाज में गुटबाजी फैला रहे हैं, जिन्हें आने वाले समय में सबक सिखाया जाएगा। रोहित साहू ने तो यहाँ तक कह दिया कि वे समाज प्रमुख टहलराम की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। समाज के ऊपर कोई बंधन नहीं होता। अब यह मुद्दा समाज के साथ ही साथ महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में भी गर्माने लगा है और साहू समाज में भी इन बातों को लेकर व्यापक चर्चाएं होने लगी है। मैं भारतीय जनता पार्टी को टिकट देने के पहले मैं संगठन से बात किया था, ये साहू समाज का सीट है, हमको दो सीट जो दिए हैं आप भाजपा से, दो सीट बरकरार रखेंगे करके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको गौण किया, इसमें ध्यान नहीं दिया और एक सीट हमारा काट दिया गया है। इसका समाज में रोष तो है, गुस्सा भी है। मेरे लिए पहला समाज प्राथमिकता है और मैं समाज के लिए बना हूँ, तो मैं समाज को प्राथमिकता दूंगा। और अन्य स्वजाति भाइयों से भी मेरा आग्रह है कि वो सब वरिष्ठ हैं, ताम्रध्वज जी साहू महासमुंद लोकसभा से, उनका सहयोग करें और समाज के लोग उनको सहयोग करेंगे और हम साहू समाज की ओर से इनको चुनाव जीतवाएंगे और हमारे तीनों प्रत्याशी जीतेगा, ऐसा मेरा पूरा उम्मीद है, आशा है। भारतीय जनता पार्टी ने साहू समाज को टिकट काट कर बहुत बड़ा गलती किया है और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भोगना होगा। और फिर कुछ लोग साहू लोग जब उनकी बारी आती है तो वो लोग बोलते हैं हम साहू हैं करके, और जब दूसरे की बारी आती है तो साहू लोगों को गुटबाजी में बांटते हैं और गुटबाजी दिखाते हैं, वो उनको आने वाले समय में उनको नुकसान करेगा। अपना समय याद करें, ऐसा मेरा उन नेता लोगों से भी मेरा आग्रह है कि उनको सद्बुद्धि दे कर्म माता। नहीं, मैं उनकी बातों पे सहमत नहीं हूँ। एक समाज कोई ऐसा नहीं हुआ तो कोई बंधन नहीं होता, बहुत सारे सब समाज है और जो राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं उसके साथ लगातार साहू समाज काम कर रहे हैं। साहू समाज सबके लिए काम कर रहे हैं, साहू समाज राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, साहू समाज देश निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि सर्व समाज की जो बातें जो कर रहे हैं वो चरितार्थ भी हो रहा है। आने वाले चुनाव में भी यही साहू समाज के द्वारा कह करके तो आपने काफी वोट बटोरे हैं, आपने काफी मत प्राप्त किए। देखिए, पिछले समय साहू समाज की जो बात किए थे वो साहू समाज के लोग बात किए थे, मैं तो हमेशा सर्व समाज की बात करता हूँ। साहू समाज का अथाह प्रेम भी है, आशीर्वाद भी मिला है और सबका मिला है, सर्व समाज का मिला है, तब जाके छत्तीसगढ़ में सुशासन आया है। अकेला कोई एक समाज कोई काम करेंगे तो अच्छा होगा, ऐसा नहीं है, सब समाज मिलके काम करेंगे तो राष्ट्र का निर्माण होगा। उन्होंने कहा है कि साहू समाज की जो बैठक होगी तो इस बात को प्राथमिकता से रखा जाएगा और जो विरोध कर रहे हैं उनसे भी बात किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, साहू समाज के हित में काम कर रहे हैं, साहू समाज के आदर्श पे काम चल रहे हैं, साहू समाज जिस रास्ते में बताए हैं उसी रास्ते में चल के काम कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहे हैं और देश के अच्छे से जो काम कर रहे हैं, जो राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, जो हमारे भारत देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं, ऐसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं, जो सर्वधर्म के लिए काम कर रहे हैं उसके लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं।
आप कहते हैं नरेंद्र मोदी जी की, वो दूसरी ओर कांग्रेस से खड़े हैं ताम्रध्वज साहू जी और कांग्रेस के लिए वोट मांगने के लिए घूम रहे हैं आपके प्रदेश अध्यक्ष। कांग्रेस पार्टी हमेशा धर्म विरोधी रहा है, हम धर्म विरोधियों के साथ नहीं काम कर सकते। जो हमारी सनातन संस्कृति को खत्म करने का काम करते हैं, जो सनातन संस्कृति के खिलाफ बात करते हैं, उसके लिए हम कहां से समाज की बात करेंगे। जो राष्ट्रहित का मैं बताया ना, जो राष्ट्रहित में काम करेंगे उसके हम साथ दे रहे हैं। तो पहल राम साहू जी गलत बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, हम नहीं मानते इस चीज को। कोई गठबंधन नहीं होता, कोई संगठन बोल दिए फाइनल कर दिए, ऐसा नहीं होता। जो राष्ट्रहित में काम कर रहे हैं उसके साथ पूरे साहू समाज है, कहीं कोई ऐसा नहीं। मैं आदर करता हूँ आदरणीय टहर राम साहू जी का, उसके बताए हुए मार्ग में हम चल रहे हैं, उसका सम्मान भी करते हैं, लेकिन जो धर्म और संस्कृति को बचाने का काम कर रहे हैं उसके साथ हम चल रहे हैं। सनातन संस्कृति को बचाने का काम किए उसके साथ हम चल रहे हैं। राष्ट्र निर्माण के लिए हम काम कर रहे हैं, देश निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। धन्यवाद।